हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो मल्टीपल देशों से रशिया, चाइना, ताइवान, बांग्लादेश, इन चारों देशों का क्या रिएक्शन है इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेके, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, कॉमेंट सेक्शन जो है काफ़ी फनी है, खास करके बांग्लादेश जो है आपको बहुत हंसी आएगा उनके कॉमेंट्स देख के, और चाइना के जो कॉमेंट सेक्शन है वो तो जेलसी साफ नज़र आता है, और साउथ कोरियन कॉमेंट सेक्शन विल सरप्राइज यू, और रशिया जो है काफ़ी एक मच्योर्ड टेक सिर्फ मिसाइल टेस्ट के बारे में नहीं बल्कि रशिया के जो दोस्त हैं, कैसे रशिया के दोस्त जो है रशिया के साथ ग्रो करते हैं, बट अमेरिका के जो एलाइज है दोस्त का दर्जा तो वो किसी को देते नहीं है, बट अमेरिका के जो एलाइज है वो अमेरिका इंश्योर करता है कि उनके उसके जो एलाइज है कभी भी उससे ज़्यादा डेवलप ना हो, कभी भी उसके लेवल पर भी ना हो। तो ये डिफरेंस है रशिया और अमेरिका में, ये रशियन मीडिया का कहना है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा आईवीएफ प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड पे है और जल्दी ही हम शूट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी एक वीडियो में हमारा फर्स्ट गाना जो है वो किस टॉपिक में होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि केपॉप से जो है हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग होगा और बेटर चीज़ें सिखाएंगे, तो कितना अलग है और क्या हम मैसेज जो है फर्स्ट गाने के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, वो जल्दी ही एक वीडियो में मैं आपको स्केच के थ्रू पूरा स्टोरी बोर्ड जो है आपको बताऊँगा। वैसे तो 2.5 लाख का बजट मैंने ऑलरेडी अलॉट कर दिया है इस पर, बट जितना हेल्प मिलेगा, जितना इसका बजट बढ़ेगा, उतना ही बेटर तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इस चीज़ पे अगर हम आप इन्वेस्टर पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और आईवे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आप इंडी वर्ल्ड और मेरे चैनल एससी म्यूजिक, दो सक्सेसफुल चैनल हैं, उस पर भी आप 49% का पार्टनर बन सकते हैं। तो अमेरिका आजकल दूसरों को केवल फेक मोरल कोटेशन ही दे सकता है। बिडेन को चुनना माइट बी वन ऑफ द मिरेकल दैट अमेरिकन्स, लेकिन सीरियसली कहूं तो मुझे डाउट है कि क्या अमेरिका रियली अपने दम पर कुछ हासिल कर सकता है या दूसरों से चोरी कर सकता है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल विद ग्रेटर डिस्टेंस, ये जानकारी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये रॉकेट 1500 किलोमीटर की दूरी तक हिट कर सकता है। ये पूरी तरह से भारत में डीआरडीओ द्वारा निर्मित है और डीआरडीओ ने इसे इस तरह से बनाया है कि ये 5 मैक की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, और जैसा कि हमने पहले कई बार देखा है कि यूएसए और वेस्ट अलायंस के अलावा किसी अन्य देश को इससे समस्या नहीं है। उन्हें समस्या इसलिए है क्योंकि वेस्ट के साथ अलायंस करने वाला एक भी देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का इन्वेंट नहीं कर सका है। तो मैं अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के बारे में बात कर रहा हूं जो दावा करते हैं कि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। वेस्ट और उसके एलाइज चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। अमेरिका, यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन में इसकी भारी डिमांड है, लेकिन वहां ये अभी भी एस्पिरेशनल स्टेज पर है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी के मूल तक पहुंचने में सक्षम है। भारतीय रक्षा मंत्री ने इस मोमेंट को हिस्टोरिकल और नई ऊंचाइयों को छूने वाला बताया, जिससे भारत उन कुछ देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसीलिए भारतीय रक्षा मंत्री ने इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद दिया। ये टेस्ट लॉन्च शनिवार 16 नवंबर को ओडिशा के ईस्ट कोस्ट पर अब्दुल कलाम के नाम पर स्थित एक आइलैंड के टेस्ट साइट से किया गया। मिसाइल को भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप्ड किया गया था, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेस्ट के अलावा दक्षिण कोरिया और जापान भी अमेरिका के ट्रेडिशनल एलाइज हैं। दक्षिण कोरिया के पास एक एडवांस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनके पास भी हाइपरसोनिक नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है कि वेस्ट के ये सभी पुराने एलाइज कभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए जो अमेरिका के पास न हो, जबकि रूस के मित्र देश, यहाँ तक कि ईरान और उत्तर कोरिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कगार पर हैं, क्योंकि रूस अपने मित्र देशों के डेवलपमेंट को कभी नहीं रोकता बल्कि उनकी मदद करता है। लेकिन अगर आप वेस्ट और उसके एलाइज को देखें, वे उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने से क्यों रोक रहे हैं? इसका आंसर सिंपल है, ये अमेरिका ही है जो अपने मित्र राष्ट्रों के डेवलपमेंट को रोक रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास एक तरीका है जिसके द्वारा वो सुनिश्चित करता है कि उसके मित्र राष्ट्र कभी भी अमेरिका से अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल न कर सकें। इसलिए यदि अमेरिका किसी टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके मित्र राष्ट्र भी उस क्षेत्र में पीछे रहें। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट
रूस और उसके मित्रों के लिए एक अच्छी खबर है। आई विश इंडिया द बेस्ट टू कीप डेवलपिंग इन फ्यूचर। ग्यालो सप्ताह लास्ट वीक इतिहास में पहली बार भारत ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया। देश के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा ने अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया। ये मिसाइल विभिन्न पेलोड का उपयोग करके 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने में सक्षम है, जिसका नियंत्रण फिलहाल भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा। भारतीय सामरिक बाहिनी ढाल और तलवार उभय ये हाइपरसोनिक मिसाइल ढाल और तलवार दोनों के रूप में काम करने में सक्षम है। ये दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करने या हमलों का विरोध करने में इफेक्टिव है। ये मिसाइल यूक्रेन में इस्तेमाल की गई मिसाइल की तरह प्रतिद्वंद्वी खेमे पर हमला कर सकती है। सबसे खास बात ये है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का रडार के जरिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये मिसाइल मैक या ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से चलने में सक्षम है। इसके अलावा ये मिड फ्लाइट सिचुएशन में भी उड़ सकता है। एज अ रिजल्ट दुनिया भर में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में इस भारतीय मिसाइल का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी इसे अजेय बना देगा। अनुमान अजोग्य ट्रेजेक्टरी एक एक तुलबे अप्रतिरोध। नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बयान में कहा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइलों की क्षमताओं और बैलिस्टिक मिसाइलों की गति को मिलाकर बनाई गई है। 3 दशकों के रिसर्च के बाद इसे हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट से भारत भी एलीट क्लब में शामिल हो गया है। करंटली भारत को छोड़कर दुनिया के 3 देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। देश के बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी चली आ रही है। पिछले कुछ सालों से इस लिस्ट में चीन का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि बीजिंग के पास ये एडवांस्ड वेपन्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद अभी भी पीछे है। अत्याधुनिक समरास्त्र थाकलेओ इस्लामाबाद एखोनो पीछे आछे। एज अ रिजल्ट भारत अपने पड़ोसियों से स्ट्रेटेजिकली आगे होगा। 2022 मार्च में रूसी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके यूक्रेन पर हमला किया। उस समय यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक वेपन्स वेयरहाउस को नष्ट कर दिया गया था। इस घटना के जरिए रूस ने युद्ध के मैदान में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यूजर के रूप में इतिहास में पहला नाम दर्ज कराया।印度宣布成功测试第一枚国产远程的高超音速飞弹，成为少数拥有这个技术的先进国家，军事发展达到新的里程碑。印度国防部当地时间16号从东部一座岛屿试射高超音速飞弹，并且准确的击中目标。国防部长随后就发表声明，表示这是印度的历史性时刻，不过没有提供飞弹的详细细节。目前只有美国、俄罗斯、中国跟北韩测试过高超音速飞弹。Hello， 我是李明瑞。想要抢先掌握最及时 ，3, 2, 1, now。
तो सबसे पहले काउच सेर्गे ने लिखा है कि सो कॉल्ड यूरोपियन गार्डन से आजकल बदबू आने लगा है। उसके बाद ऑब्स्टेंट काइगोरोक्स ने कमेंट किया कि पुतिन अपने दोस्तों को अपना 100% दे देता है, जिसके रिप्लाई में देव शाशा ने कमेंट किया कि जितना ज्यादा देंगे उतना ही ये टेक्नोलॉजी लीक होने का और यूएसए तक पहुंचने के चांसेस है। जी हाँ, एक बार इंडिया से भी जो है ब्रह्मोस का सीक्रेट जो है लीक हो गया है। इंडिया तो फिर भी सेफ है, ईरान में तो आधे से ज्यादा एजेंट ही जो है मोसाद के है, तो इस केस में रशिया को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और इंडिया को भी, और ईरान को तो हम बता नहीं सकते। ईरान को इस बेटर कि रशिया जो है अपना हाईटेक टेक्नोलॉजी ना शेयर करे, क्योंकि किसी भी टाइम ये लीक होके ईरान से खास करके जो अमेरिका तक पहुंच सकता है। उसके बाद एएमएम के 1816 ने कमेंट किया कि अमेरिका का सारा बजट तो एलजीबीटीक्यू करने में निकल जाता है, तो डिफेंस रिसर्च में क्या खर्च करेंगे। उसके बाद गालिना ने कमेंट किया कि हम अपने दोस्तों के साथ अपना डेवलपमेंट जरूर शेयर करेंगे, लेकिन दुश्मनों के साथ कभी नहीं, उन्हें अपना दिमाग तोड़ने दो, लेट देम ब्रेक देयर ओन ब्रेन फॉर दिस। उसके बाद मार्क्सिम जेडेश ने कमेंट किया कि इंडिया भी रशिया के रास्ते पे ही चल रहा है और रशिया जैसे मिसाइल्स के कार्टून्स बनाना भी शुरू कर दिया है, ये कोई यूक्रेनियन लगता है। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि कार्टून तो तुम्हारे प्रेसिडेंट है और उससे भी बड़ा कार्टून यूक्रेनियन लोग है जो इस कार्टून को वोट किया है, लेकिन इस कार्टून के लिए जिस तरीके से यूक्रेनियन लोग सफर किया है वो कार्टून नहीं है, दैट्स रियल। उसके बाद JY1 ने कमेंट किया कि इंडिया चाइना ईरान के पास अभी भी कंट्रोलेबल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको इजीली मैनूवर किया जा सके, लेकिन फ्यूचर में वो ये कैपेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंथनी ने कमेंट किया कि मिसाइल के सर पे क्या इंडिया ने अपना सेक्रेट माला पहना के रखा है, हा हा हा। उसके बाद DDD ने कमेंट किया कि इंडिया ने बोला है कि एशिया में हमारा सबसे जिगरी दोस्त है ताइवानीज न्यूज नेटवर्क। ये कमेंट इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ताइवानीज मीडिया जो है इंडिया के बारे में ज्यादातर पॉजिटिव ही बोलते हैं, वीडियो मीडिया जो है वो ज्यादातर 80% टाइम्स इंडिया के बारे में पॉजिटिव ही दिखाते हैं। हालांकि लोग अगर उतने फ्रेंडली होते तो हम एक फ्रेंडली नेशन मान भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया के फ्रेंडली होने से वो देश फ्रेंडली नहीं हो जाता है। बट ताइवान में मैंने देखा है कि 30-40% जो है इंडिया के बारे में काफी पॉजिटिव है, बाकी 30-40% जो वो नेगेटिव है और बाकी जो है न्यूट्रल है, ऐसा सीन है, तो ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं। लेकिन वीडियो मीडिया की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 80% जो है पॉजिटिव ही बोलता है इंडिया के बारे में, और इसीलिए शायद ये चाइनीज ने ही कमेंट किया है, तो इसीलिए जो चाइनीज है ये कमेंट जो चाइनीज ने किया है। उसके बाद पीनट ने कमेंट किया कि व्हाई आर यू फ्लाइंग विद लीड ऑन योर हेड, आर यू अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग टू फास्ट। उसके बाद लाई ने कमेंट किया कि इंडियन हाइपरसोनिक अपने सर पे इंडियन पैनकेक लेके ट्रैवल कर रहा है, दिस इज रियली अ यूनिक स्किल। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, और चाइनीज रॉकेट्स जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से अपने ही देश में लॉन्च हो जाता है और अपने ही देश में जो है ब्लास्ट होता है, ये भी एक यूनिक स्किल ही है। उसके बाद सीजन स्विंग 8265 ने कमेंट किया कि इज मिसिंग द टारगेट ऑल्सो कॉल्ड सक्सेस। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इट्स कॉल्ड सक्सेसफुल टेस्ट बट वेन इट पेनिट्रेट्स डीप इन टू चाइनीज एसेस इट विल बी कॉल्ड ए सक्सेसफुल यूज। उसके बाद जियाई लैंगू ने कमेंट किया कि नोटिस करो कि लॉन्च ट्यूब का कवर ओपन नहीं हुआ, इट इज डायरेक्टली पुश्ड अप। उसके बाद रेसनिस 8763 ने कमेंट किया कि इंडियन मिसाइल की खास बात यह है कि वो लॉन्च होने से पहले ही अपने टारगेट को हिट कर देता है और अपने हिट किए हुए टारगेट को अपने साथ लेके चलता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, वो प्रैक्टिस था, द लीड इज एक्चुअली द रेप्लिका ऑफ योर जिंगपिंग्स फ्लैटस। जब हम चाइना को हिट करेंगे तो द फर्स्ट थिंग इट विल बी हिटिंग इज जिंगपिंग फ्लैटस, और फिर जिंगपिंग समेत बाकी टारगेट्स को हिट करेंगे। ये फीचर स्पेशल रिक्वेस्ट पे ऐड किया गया है इंडियन मिसाइल पे, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ये फीचर ऐड करने की मंशा रखते थे, तो इंडिया ने वो करके दिखाया। उसके बाद लोन वॉकर ने कमेंट किया कि इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली सेंड आउट ए लीड इन टू द एटमोसफियर। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हिट इट्स ओन कंट्री विद इट्स ओन रॉकेट फॉर टेस्टिंग। उसके बाद युंगशेन ने लिखा है कि ये बहुत ट्रेजिक है जब थर्ड ब्रदर जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया को चाइनीज लोग जो है थर्ड ब्रदर बुलाते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जब थर्ड ब्रदर ने मिसाइल फायर किया और सबको दूर भागने के लिए कहा तो भारत की ये मिसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और निकलते वक्त मिसाइल ने एक टोपी भी पहना हुआ था। उसके बाद CCEA ने कमेंट किया कि मोदी ने कहा क्योंकि इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत तेजी से ट्रैवल करता है
इसीलिए इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर इक्विप्ड विद डिसीलरेशन कैप्स। वो डिसीलरेशन कैप अगर नहीं रहा तो इट विल फ्लाई टू फास्ट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद KH92662 ने कमेंट किया कि इट्स नॉर्मल फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स टू फ्लाई वेरी फास्ट, बट आई एम क्यूरियस कि ताइवान बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों नहीं डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट ताइवान के पास न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल्स भी नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सबकी बस की बात थोड़ी है, और वैसे भी अगर ये जो रशियन वीडियो है, मैंने लिंक दिया है, अगर ये समझ आता तुम्हें तो पता होता कि इस वीडियो में कहा गया है कि यूएसए एक ऐसा देश है जो कि कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके एलाइज और सो कॉल्ड फ्रेंड्स के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो कि यूएसए से भी आगे हो। उसके बाद फ्रेड जैंग ने कमेंट किया कि इंडियन मिसाइल्स आर अफ्रेड ऑफ हीट, गर्मी से बहुत डरते हैं, इसीलिए दे वेयर सन हैट्स। तो सबसे पहले एमडी रूबेल ने कमेंट किया है कि इंडिया जितना प्रोग्रेस करेगा हम बांग्लादेशी उतना ही जलेंगे और उतना ही मदरसा में भर्ती होंगे और इस्लाम का अंधभक्त रहेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वाह, तूने तो पूरा सच बात कह दिया, लगता है तू मुल्लों का हरिश्चंद्र है। उसके बाद अकबर हुसैन ने कमेंट किया कि बांग्लादेश से इंडिया को बेस्ट विशेस। उसके बाद सुभाष विश्वास ने कमेंट किया कि बांग्लादेश की 18 करोड़ जनता के तरफ से इंडिया को बेस्ट विशेस। 18 करोड़ रियली, ज्यादा से ज्यादा 18,000 जो कि हिंदूज है, उतना ही सिर्फ उतने लोग ही वेल विशेस करते होंगे, और आपके नाम से भी आप पता चलता है कि आप बांग्लादेशी हिंदू ही है, तो 18 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, 18,000 भी है कि नहीं मुझे डाउट है। उसके बाद मॉर्निंग डेज ने कमेंट किया कि भारत बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। उसके बाद सहारा खातून ने कमेंट किया कि भारत एक सुपर पावर है, सुपर पावर है आधुनिक शिक्षा में और फ्रीडम में, और डेवलपमेंट का एक नया रास्ता है भारत। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बंगाली लैंग्वेज में मोदी ने तो अभी कहा कि इंडिया नहीं भारत कह के हमें हमारा देश को पुकारना चाहिए, लेकिन बंगाली में अगर हम देखें, बंगाली लैंग्वेज में इंडिया बोल के कोई वर्ड नहीं है, बंगाली में, बंगाली लैंग्वेज में इंडिया को हमेशा भारत ही कहा जाता है। उसके बाद नोदीर तीर एचके ने कमेंट किया कि मदरसा के बिना मूछ और लंबे दाढ़ी वाले सारे वैज्ञानिकों ने इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है, इससे भी ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल। मिसाइल का नाम है माशाल्लाह, स्पीड है घंटे में 5 किलोमीटर। उसके बाद नयन चकमा ने कमेंट किया कि टेस्टिंग के लिए बांग्लादेश में भी एक दो ऐसे मिसाइल गिरा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद गौतम कुमार ने कमेंट किया कि हम बांग्लादेशी सिर्फ दूसरों को लेके बातें कर सकते हैं, जबकि इंडिया जैसे दूसरे देश ग्राउंड लेवल पे खुद को साबित करके दिखाते हैं। उसके बाद मेहादी DW जशन ने कमेंट किया कि भारत को बॉयकॉट करो और भारतीय मिसाइल्स का भी बॉयकॉट करो, इंडिया के ये सारे मिसाइल्स छोड़ो, अगर बांग्लादेशी लोगों ने पाद दिया तो हमारे पादने का जो जोर है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी इन इंडियन मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। अच्छा। उसके बाद बापटा गोपे ने कमेंट किया कि इसके बाद भी बांग्लादेश में ये डिबेट चलेगा कि इंडिया ज्यादा बड़ा है कि लुंगी ज्यादा बड़ा है। उसके बाद लिटॉन कुमार ने कमेंट किया कि खाली घड़ा जो है वो ज्यादा बचता है, जैसे कि हम बांग्लादेशी। उसके बाद म्यूजिक मीडिया ने कमेंट किया कि इस खबर से पाकिस्तान का क्या हालत हुआ होगा। इंटरेस्टिंग, इवन बांग्लादेशी लोग जो है इंटरेस्टेड है जानने में कि ये मिसाइल टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद नील कोमल ने कमेंट किया कि दूसरे देश आगे बढ़ते जा रहे हैं और बांग्लादेश का मेन टारगेट ये है, मेन कंपटीशन ही ये है कि कौन ज्यादा स्पीड से रिक्शा चला सकते हैं, ये है बांग्लादेश का लेवल।